हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ मिक्स चना दाल बनाने की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं आज इस मिक्स चना दाल बनाने की रेसिपी को। मिक्स चना दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़े बाउल से दले हुए चने की दाल ले ली है और इसे हम एक बड़े बर्तन में डालेंगे। तो यहाँ पर हमें मिक्स चना दाल बनानी है तो हमें क्वांटिटी में चने की दाल को ज़्यादा लेना है और एक छोटे बॉल से हाफ बॉल से भी कम हमने उड़द की दाल और हाफ बॉल से भी कम हमने मूंग की दाल डाली। इसे हम भिगो लेंगे। दाल को हमने 15 मिनट भिगोया था और उसके बाद अच्छे से वॉश किया है। अब इसे हमने कुकर में डाल लिया। आज हम तड़का मिक्स चने की दाल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कुकर में दाल को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर हमने दाल कुकर में डाली और दो प्याज भी हमने यहाँ पर डाल लिए हैं और यहाँ पर दो टमाटर भी हमने इसमें डाल लिए, हल्का सा कट लगाया। और यहाँ पर 6 कली हमने लहसुन की ली हैं, उसे भी इसमें डाल लिया है। और दो हरी मिर्ची, इन्हें तोड़कर हमने डाल लिया। और मसाले भी हम सब यहीं पर ऐड कर लेंगे। एक स्पून हमने इसमें सॉल्ट डाल लिया है और हल्दी पाउडर भी डाल लेंगे और धनिया पाउडर भी डाल लेंगे। और अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर भी डाल लेते हैं। अब इसमें करेंगे पानी ऐड। हमने दाल बनाने के लिए पानी ऐड कर लिया है। अब कुकर का ढक्कन यहाँ पर बंद करके इसे हम गैस पर रख लेंगे। ढक्कन बंद किया और इसे हम रख लेंगे गैस पर। गैस पर हमने दाल रखी बनाने के लिए। यहाँ पर हम फुल फ्लेम में एक सीटी देंगे और फुल फ्लेम में एक सीटी आ गई है तो बाकी की तीन सीटी को हम मीडियम फ्लेम में देंगे। दाल हमारी अच्छे से गलकर तैयार हो जाएगी। चने की दाल कुक होने में थोड़ा टाइम लेती है तो हमने एक सीटी फुल फ्लेम में दी है और बाकी की तीन सीटी हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम में देंगे। अब यहाँ पर दो सीटी आ गई है और तीसरी भी सीटी हमारी मीडियम फ्लेम में आ गई। गैस को हमने बंद किया और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ा था तो दाल ठंडी हो गई। अब हमने ढक्कन खोल लिया है तो यहाँ पर हम दाल को चेक करेंगे। तो हम इसे मिक्स करके अच्छे से देख लेते हैं। दाल को हमने मिक्स कर लिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें जो टमाटर हैं इनके छिलके भी हम अलग से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम एक स्पून की हेल्प से दाल को अच्छे से चेक करेंगे। दाल बिल्कुल अच्छे से कुक है। यहाँ पर हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है और अच्छे से कुक हो गई। तो यहाँ पर हमारे टमाटर के छिलके भी दाल में हैं, हम इन्हें अलग से निकाल लेंगे और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि ये दाल हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी और गाढ़ी सी दाल बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हमें लगता है कि हमारी दाल गाढ़ी है तो हम इसमें गर्म पानी डालकर इसे पतला बना सकते हैं और अगर हमें लगता है कि ठीक है तो हम इसे तड़का देकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तड़का पैन लिया और उसमें घी डाल लिया है। घी यहाँ पर मेल्ट हो रहा है तो हम तड़के वाली चने की मिक्स दाल यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। दाल बनकर तैयार है, बस तड़का हमें देना है। तो यहाँ पर घी मेल्ट हो गया है। तड़का देने के लिए हमने यहाँ पर दो तेज पत्ते लिए हैं, उन्हें इसमें डाल लेती हैं। और यहाँ पर हमने काली मिर्च और दो लौंग लेकर इसमें डाल लिए हैं और थोड़ा सा साबुत धनिया लिया, वो भी हमने दाल में डाला। दो लाल मिर्च और एक चुटकी हींग डाल ली है और तड़का यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इस तड़के को दाल में डाल लेते हैं। दाल में हमने तड़के को डाला और तड़का दाल बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप इस तड़के वाली दाल को खा सकते हैं रोटी के साथ, चावल के साथ। और बढ़िया सी हमारी दाल बनकर हो गई है तैयार, साथ में हमारे चावल भी बनकर तैयार हैं। तो हम इसे कर लेते हैं सर्व। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी चावल और दाल बनकर तैयार हो गए हैं। और अगर आपको आती है मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, अपने फ्रेंड्स में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।